मुख्यमंत्री लाडली बहने योजना 2023 एमपी सरकार ने करोड़ों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 1,269 करोड़ रुपए। इन महिलाओं को मिला इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मुख्यमंत्री लाडली बहने योजना 2023 एमपी सरकार ने करोड़ों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 1,269 करोड़ रुपए। इन महिलाओं को मिला इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेट न्यूज में। भोपाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से नई योजना चलाई जा रही है। नई पुरानी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में कई प्रकार की योजना के जरिए किसानों सहित राज्य की महिलाओं को काफी लाभ पहुँचाया जा रहा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सभी राज्य सरकारें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जनता के वोट बैंक को सुरक्षित करने में लग गई है। इसी बीच सरकार की ओर से लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं खाते में 1,269 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। बता दें कि लाडली बहना योजना खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई राज्य सरकार की एक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रथम चरण में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन महिलाओं की ओर से किए गए हैं। लाडली बहना योजना का लाभ आज 1.31 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। अभी फिलहाल इस योजना में 1,000 रुपए राज्य सरकार की बहनों को हर महीने दिए जा रहे हैं। सीएम ने घोषणा की है कि इसकी राशि हर साल बढ़ाकर दी जाएगी। इस योजना की राशि को 3,000 रुपए तक कर दिया जाएगा ताकि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। लाडली बहना योजना की चौथी किस्त के साथ अनेक योजनाओं का ऐलान है। लाडली बहना योजना की चौथी किस्त को लेकर ग्वालियर में आयोजित समारोह में सीएम ने महिलाओं सहित प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सी घोषणा भी की है। इसमें महिलाओं को जल्द सस्ता सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। इसके तहत सब्सिडी पर दिए जाने की बात सीएम ने कही है। वही लाडली बहने के लिए आवास योजना में उनके पक्का मकान दिए जाने की भी मंशा जताई है। इसके अलावा ज्यादा बिल आने पर उनको राहत देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने वाले विद्यार्थियों के खाते में 25,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही गांव और शहर के विद्यार्थी को प्रथम और द्वितीय और तृतीय रैंक लाने पर स्कूटी देने की घोषणा भी की गई है। कैसे चेक करें खाते में पैसा आया या नहीं। लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1.31 करोड़ लाभार्थी बहनों के खाते में करीब 1,269 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। ये लाडली बहना योजना की चौथी किस्त के रूप में दी गई है जो लाभार्थी महिलाओं को दी गई है। ये पैसा लाडली बहना योजना की लिस्ट के अनुसार राज्य की महिलाओं के खाते में आ गया है। ऐसे में बहने ये जरूर जानना चाहेगी कि उनके खाते में चौथी किस्त की राशि आई है या नहीं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी किया गया पैसा आ जाने के बाद भी लाभार्थी खाते में ये पैसा आने में समय लगता है। पैसा खाते में ट्रांसफर होने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। वहीं यदि आपके खाते में संबंधित कोई समस्या है तो इससे भी अधिक समय लग सकता है। ऐसे में आप कई तरीके से अपने खाते की जाँच कर ये पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में योजना का पैसा आया है या नहीं। इन 4 तरीके से पता कर सकते हैं खाते में पैसा आया है या नहीं। लाडली बहना योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। PFMS द्वारा लाडली बहना योजना का पैसा चेक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से लाडली बहना योजना का पेमेंट चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से भी आप लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा चेक कर सकते हैं। क्या लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना को 5 वर्ष तक चलाया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी प्रत्येक महिला को 5 साल में कुल 60,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश 2023 को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।